हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है गेम ब्लॉकर्स के बारे में। पहले मैं डिटेल बता देती हूँ कि इसमें जो गेम है वो खेल सकते हैं 7+ के एज के बच्चे, और ये सिर्फ 2 प्लेयर गेम है, सिर्फ 2 लोग खेल सकते हैं। और जो ब्रांड है वो मेटल कंपनी का ब्रांड का ये गेम है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं फटाफट इसमें हम लोगों को कॉम्पोनेंट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आपको ये रैक मिलता है जहाँ पे आपके जो ब्लॉकर्स है, जो ब्लॉक्स है वो रखने के लिए। इस तरह से आपको स्क्वायर में आप देख सकते हैं, इसमें छोटे छोटे मिनी स्क्वायर से और एक बड़ा सा स्क्वायर ट्रे आपको मिलेगा। ये व्हाइट कलर का, ये प्लास्टिक का है गाइस, ठीक है, ये मिलेगा। अच्छा, ये डब्बा नहीं मिलेगा प्लास्टिक का, ये हम लोग ने ब्लॉकर्स जो पार्ट है वो मिसप्लेस ना हो जाए इसलिए हम लोग ने रखा है। और ऑब्वियसली आपको इसमें छोटी सी एक जो यहाँ पे रूल बुक मिलेगी, ये पैम्पलेट टाइप है, ताकि इसमें आप डिटेल में पढ़ सके। वैसे इसमें कुछ ज्यादा रूल नहीं है, बहुत ही इजी एंड सिंपल गेम है, कोई भी खेल सकता है इसमें। और ये आपको इस तरह से ब्लॉक्स मिलेंगे, एक ब्लू और एक यहाँ पे रहेगा रेड प्लेयर। जो पार्ट्स है वो रेड के 24 मिलेंगे आपको और ब्लू के 24 पार्ट्स मिलेंगे। ये है उसके कंपोनेंट्स, आपको सिर्फ ये रैक मिलेगा, ये आपको जो ब्लॉक्स है वो मिलेंगे, और दोनों के इंडिविजुअली 24 यहाँ पे आपको ये ब्लॉक्स मिलेंगे, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हम अलग कर देते हैं ब्लू एंड रेड। ये है इसका सेटअप, बस आपको 2 प्लेयर को बांटना है इंडिविजुअली जो यहाँ पे खेलने वाले हैं। और गेम स्टार्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये ट्रे में 2 डॉट्स है, किधर है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, यू कैन सी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो 2 डॉट्स है नजर आ रहे होंगे, ये प्लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखते हैं हाउ टू प्ले। तो इसमें सबसे पहला जो टर्न होगा वो होगा यंगेस्ट प्लेयर का। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे रेड प्लेयर हूँ तो मुझे स्टार्ट करना है ये वाले पॉइंट से। तो आप ट्राई करना गाइस, जो सबसे ज्यादा जिसमें ब्लॉक से जो ज्यादा डिफिकल्ट वाले एग्जांपल्स, जो जल्दी से कोई भी शेप में मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े जो ब्लॉक्स है आप ट्राई करना कि ये जो शेप के जो ब्लॉक्स है वो आप पहले यूज करें, और बाद में यूज कर सकते हो आप ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स है, ये है, क्योंकि इजीली ये कहीं पे भी कॉर्नर में वो फिट हो जाएंगे। तो पहले जो आपको बड़े जो ब्लॉक्स है जिसकी ज्यादा पॉइंट्स है वो आप पहले यूज करोगे तो काफी बेटर रहेगा। आपको यहाँ पे हर एक जो शेप की जो ब्लॉक है वहां पे आपको इसमें मिनी ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे स्क्वायर, जैसे कि ये वाले शेप में है 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ब्लॉक्स है, इसमें भी है 5। तो ये आपके अल्टीमेटली आपके पॉइंट्स है, ये बाद में आपके पॉइंट्स में काउंट होंगे। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है गेम, सपोज मैं यहाँ पे रेड प्लेयर हूं, मैंने जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे रखा है। अब जो टर्न होगा वो ब्लू प्लेयर का होगा, उसने भी यहाँ पे सेम रखा है मेरे जैसा। अभी मेन इसमें रूल क्या है, ठीक है, ये गेम का रूल क्या है कि मेरा जो रेड प्लेयर है, मुझे अगर सपोज ये शेप रखना है उसके पास, तो उसका जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर और इसका कोई भी जो कॉर्नर है वो कॉर्नर से कॉर्नर मैच होना चाहिए लाइक दिस। ये वाले शेप को कॉर्नर मैच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा अभी टर्न फिनिश हो गया है, अभी ब्लू वाले की बारी आएंगी। तो सेम रूल रहेगा, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करना है। ये वाले कॉर्नर के शेप से उसने ये वाले कॉर्नर का शेप मैच किया है, ठीक है। अभी मैं हूँ रेड प्लेयर, तो अभी मेरा टर्न है। सपोज अभी मुझे ये जो ब्लॉक है, ठीक है, जिससे कि 5 पॉइंट से ये मुझे रखना है रेड में, तो मैं इसको ऐसा नहीं रख सकती हूँ, ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। ये जो मैंने शेप रखा है यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो मेरे जो 2 ब्लॉक्स है वो आजू बाजू में मिक्स हो रहे हैं,
कि ये रॉन्ग प्ले है, आप इसको इस तरह से बाजू में नहीं रख सकते हो, आपको सिर्फ कॉर्नर से कॉर्नर ही मैच करना है, तो ये जो ब्लॉक है इसको मुझे यहाँ रखना होगा, तो इसके कॉर्नर से इसका कॉर्नर मैच हुआ है। तो इस तरह से आपको कॉर्नर से कॉर्नर मैच करते हुए पूरी फिल करना है। तो ट्राई करना है इसमें ज्यादा से ज्यादा आपका जो कलर का जो शेप है वो आप इसमें रख पाए, ठीक है। आपके पास में लास्ट में ये बहुत ही कम जो शेप्स के जो ब्लॉक्स है वो आपके पास में बच्चे होने चाहिए, तो ट्राई करें तो, ठीक है। तो अभी आएगी ब्लू वाले की टर्न। सपोज उसने ऐसा रखा है, अभी मैंने रखी यहाँ पे जो पहले बड़े ब्लॉक्स है ना वो पहले यूज कर दीजिए फटाफट, और नीचे की तरफ जाइए ताकि जो ब्लू वाले को स्पेस बहुत कम मिले, उसको यहाँ से इस तरह से ब्लॉक करो, उसको ना यहाँ पे अपने इस पार्ट में आने मत दो, क्योंकि ये पार्ट आपका है यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे आने मत दो, ठीक है। आप शेप को किसी तरह भी टर्न करके आप ये इस तरीके से या फिर ऐसा है या फिर लेंथ वाइज ऐसा रख सकते हो, बस कॉर्नर से कॉर्नर आपका जो मैच होना चाहिए। तो अभी मैं ये ब्लॉक रखी हूँ यहाँ पे, ये वाला शेप तो ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे मेरे जो रेड है जो ब्लॉक है वो आपस में मिल गए, तो ये रॉन्ग है, ये नहीं रख सकती हूँ मैं, मुझे सिर्फ कॉर्नर मैच करना है। ठीक है, इससे मैंने ये कॉर्नर दोनों को मैच किया, तो चलिए देखते हैं फटाफट रखते जाएंगे, लास्ट में स्कोरिंग कैसा होगा देखते हैं। ब्लू प्लेयर का टर्न है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में ये एक शेप है, तो मुझे दूसरा ये शेप रखना है, तो कॉर्नर से कॉर्नर मैच करेंगे, तो इसके कॉर्नर से इसका जो यहाँ पे कॉर्नर है इसके कॉर्नर से मैं ये मैच कर रही हूँ, ठीक है। कॉर्नर से ये कॉर्नर से कॉर्नर मैच किया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रेड और ब्लू का जो ब्लॉक है वो बाजू में आ गए। तो इस गेम में सिर्फ एक ही रूल है कि आपको सिर्फ अपना प्लेयर से कॉर्नर मैच करना है। अगर दूसरे प्लेयर का ब्लॉक्स बाजू में आता है तो वो चलेगा, मगर जो अपना खुद का ब्लॉक्स है वो वहां पे मैच नहीं होना चाहिए। ये दूसरा ये ब्लू प्लेयर है तो ब्लू के बाजू में रेड चलेगा, लेकिन खुद का रेड का ब्लॉक्स बाजू में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी रेड और ब्लू प्लेयर दोनों ने अपने अपने जो ब्लॉक्स है रख दिए, अभी यहाँ पे गेम यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे अभी रेड और जो ब्लू प्लेयर है उन लोगों को अपना जो शेप से वो रखने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, उन लोगों के कॉर्नर से कॉर्नर मैच करना है। तो अभी देखना है कि यहाँ पे जो ब्लू और जो रेड प्लेयर है दोनों के जो ब्लॉक्स है वो काउंट होंगे, तो उसमें से कौन सा विनर है वो पता चलेगा। तो हाउ टू विन, तो चलिए देखते हैं कि गेम में जीतेंगे कैसे। स्कोरिंग, अभी स्कोरिंग पार्ट है, तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्लू वाले का स्कोरिंग करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो शेप है अलग अलग यहाँ पे ब्लॉक्स है, यहाँ पे कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 ब्लॉक्स, तो ये हो गया 5, 1 2 3 4 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ठीक है। तो ब्लू वाले के जो पॉइंट्स है वो 33 हो गए, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे रेड वाले के कितने पॉइंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तो यहाँ पे जो रेड वाला प्लेयर है उसके पॉइंट्स है 36 और जो ब्लू प्लेयर है उसका पॉइंट है 33, तो जिसका कम पॉइंट होगा वो जीतेगा, बिकॉज उसने अपने ज्यादा से ज्यादा जो ब्लॉक्स है वो गेम में यूज किए हैं, तो जिसके पास में कम ब्लॉक्स बच गए तो वो जीतेगा। तो डेट मीन ब्लू वाले का है पॉइंट 33 और रेड का है 36, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लू प्लेयर है वो जीत चुका है। तो इस तरह से ये गेम है गाइज, बहुत ही ईजी गेम है, स्कोरिंग भी बहुत ईजी है, कोई भी इजिली खेल सकते है, इवन बच्चे भी और जो बड़े है
वो भी खेल सकते हैं इजिली। तो अच्छा और टाइम पास वाला गेम है यहाँ पे, तो इसमें ना टू प्लेयर और फोर प्लेयर्स के भी गेम आते हैं, आप अमेजोन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है गेम का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हो कि इसका करंटली प्राइस वगैरह क्या है। ये ऑलमोस्ट आपको 200-300 की रेंज में आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां पे जाके इसका प्राइस चेक कर सकते हो। तो ये है गेम ब्लॉकर्स, आई होप आपको गेम अच्छा लगा और आपको गेम अच्छी तरह से समझ में आया हो। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगता था मेक श्योर उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।